Hello, good morning friends. I'm here to discuss about the platform book of basic science and engineering, basic science and engineering drawing book for railway and railway loco pilot and technician stage 2. So ये हमारा तीसरा lecture है और हम लोग अभी electricity discuss कर रहे हैं. तो हम आते हैं यहाँ पे basic electricity की discuss करने. तो हाय दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें. ये देखिए, इस बुक में थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें डिस्कस नहीं है, उसी को मैं डिस्कस करने वाला हूं. तो प्लीज़ ध्यान दें. हमने कल किसके बारे में पढ़ा था? तो कल हमने डिस्कस कर लिया था कि ओम्स लॉ क्या होता है. ओम्स लॉ क्या होता है? ओम के लॉ में, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? भी और आई का कर्व क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है. और हमने ये सब डिस्कस किया था. फिर से ओम्स लॉ डिस्कस किया था. फिर से मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन डिस्कस किया था. इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन किया था. इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया था. उसके सही यूनिट वगैरह डिस्कस किए थे. फिर से पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस किए थे. कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस किए थे. आज हमारा जो है, तो आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में. ये बात ध्यान दीजिएगा कि रेजिस्टेंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करना है. अगर देखा जाए तो जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, हमारे मटेरियल पर डिपेंड करता है. ठीक है, पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाले धारा प्रवाह को विरोध करता है. देखिए, अगर किसी वायर से अगर धारा को प्रतिरोध करे, यानी जो रोकने की कोशिश करेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे. और जो पास करने करेगा उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस बोलेंगे. उसको चालक बोलेंगे, यानी कंडक्टेंस बोलेंगे. जो रोकेगा उसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे. ठीक है, तो अभी बात करते हैं प्रतिरोध की. तो ये क्या है, इसका कारण क्या होता है? ये धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है. इसको प्रतिरोध करते हैं. प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं. और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? सॉरी, इसका प्रतीक आर होता है और मात्रक क्या होता है? ओम होता है. देखिए, इसको ओम को ऐसे डिनोट किया जाता है, कभी कभी ओम ऐसे भी लिखा जाता है. तो देखिए, अगर कोई भी हमारे पास रजिस्टर है, तो उसमें चार कलर होते हैं. पहला कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर, चौथा कलर. तो चारों कलर होते हैं. ये कलर जो होता है मेरा पहला डिजिट बोलते हैं, ये मेरा सेकेंड डिजिट होता है, ये मेरा थर्ड डिजिट होता है, ये मेरा फोर्थ डिजिट होता है. तो ये दोनों क्या बताते हैं जी? इन दोनों नंबर से मिलके क्या बनता है? एक टू डिजिट अंक बनता है. क्या बनता है जी? टू डिजिट का एक नंबर बनता है, का नंबर बनता है. और ये क्या होता है? 10 के पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है. और ये चौथा क्या होता है? ये प्लस माइनस एरर बताता है कि कितना उसमें एरर है. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. तो बात करते हैं टेम्परेचर. तो जो हमारा प्रतिरोध का फार्मूला होता है, R बराबर रो L बाई A, इसमें देखिए तो कहीं भी टेम्परेचर का डिस्कस नहीं किया गया है. रेजिस्टेंस किस किस पे वेरी करता है? तो लेंथ पे. अगर हमारा ये रजिस्टर है तो इसका लेंथ कितना है, इस लेंथ पे डिपेंड करेगा. और एक क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, उस पर डिपेंड करेगा. और एक किस मटेरियल से बना है, रो पे डिपेंड करेगा. तो ये सब पे. लेकिन हमने अभी टेम्परेचर पर डिस्कस नहीं किया था, तो आज हम टेम्परेचर डिस्कस करें. देखिए, तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है. तथा घटने पर क्या होता है? घटता है. तो देखिए, आर बराबर क्या होता है? आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी. ये बोला जाता है कि जीरो केल्विन पे जो रेजिस्टेंस है उसको लिखते हैं. ये अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट है. डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है. ये क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट है. ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, दिया रहेगा. और ये पूछा जाएगा आपसे कि जीरो केल्विन पे ये है रेजिस्टेंस, तो आप बताएं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या रेजिस्टेंस होगा. तो आप पहले सेंटीग्रेड को किस में, केल्विन में चेंज करेंगे और उससे निकालेंगे. ये हम अभी बाद वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे निकालना है पूरा बात. यहाँ पर देखिए, तो टेम्परेचर का क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये कह सकते हैं ना. क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. अगर टेम्परेचर घट रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? घट रहा है. तो इसका मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया?
रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बढ़ेगा टेम्परेचर, बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस, बढ़ेगा टेम्परेचर, घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। पदार्थों की प्रकृति की बात करते हैं, अलग अलग धातु के तार का प्रतिरोध अलग अलग होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रो है, अलग अलग मटेरियल के लिए रो अलग अलग होगा, तो अलग अलग रो होगा तो अलग अलग आर होगा, इसलिए हम कह सकते हैं अलग अलग धातुओं के तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। एल क्या है, लंबाई। ये देखिए चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और घटने से घटता है, जिससे आर प्रोपोर्शनल क्या हो गया, लेंथ हो गया। अब बात कर रहा है कि एरिया का, देखें ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, रो रेजिस्टिविटी है, तो आर का फॉर्मूला आर बराबर रो एल बाई ए है। ये आर को ऐसे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है। देखिए हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो अगर पूछा जाएगा रेजिस्टेंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो ये होता है। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लेंथ है। तो यहाँ से आर बराबर फॉर्मूला बना रो एल बाई ए, जहाँ रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है। प्रतिरोधकता को अमीटर से भी मापा जा सकता है, प्रतिरोधकता को, या इसको विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं या प्रतिरोधकता बोलते हैं इसको, रो जो हमने फार्मूला में आर इजकल टू, यहाँ पर देखिए आर इजकल टू रो एल बाई ए लिखा है, ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, इसे रो से सूचित किया जाता है। अगर इसका एसआई यूनिट वगैरह का बात करते हैं, तो देखिए एसआई यूनिट करते हैं कि प्रतिरोधकता का, विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है। देखिए मैंने किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई भी मात्रक निकालना था, उसके लिए मैंने क्या बोला था कि उसके लिए पहले फार्मूला लिखें, जैसे आर इजक्ल टू रो एल बाई ए, हमको किसका निकालना है, इसका मात्रक निकालना है, तो इसका फार्मूला निकालेंगे, रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए का जल इधर जाएगा, ए किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ पे एल हो जाएगा। अब सबका यूनिट लिखेंगे, हमको इसका निकालना है तो इसका यूनिट लेंगे, इसका क्या होता है, ओम होता है, इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, एल का क्या होता है, मीटर होता है, एक मीटर से एक मीटर चल जाएगा तो क्या बचेगा, रो का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह हम इसको निकालते हैं, किसी भी फॉर्मूले, हमको फार्मूला पता होना चाहिए, हम उसका क्या निकाल सकते हैं, उसका ऐसा ही मात्रक निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की बात की जाए, पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करे, चालकता कहते हैं, जिसे जी से जोड़ करते हैं। देखिए अगर कोई भी बात है कि अगर ये मेरा कंडक्टर है, अगर ये प्रतिरोध करता है, वो प्रॉपर्टी जो इस करंट को फ्लो करने में प्रतिरोध करता है, उसको क्या बोलते हैं, जो अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं, जो विरोध करता है उसको प्रतिरोध बोलते हैं, और जो इसको सपोर्ट करता है उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस बोलेंगे, उसको जी से डिनोट कर सकते हैं। इससे करते हैं जी, तो जी से डिनोट करते हैं। तो अब बात करते हैं जो कंडक्टेंस है वो क्या होगा, उसको जी से नोट करते हैं, तो जस्ट अपोजिट किसका होता है, रेजिस्टेंस का, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, 1/r। किसी पदार्थ के चलकता है उसके प्रतिरोधकता क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि अपोजिट होता है, वो हमने डेफिनेशन में ही बोल रहे हैं कि सुगमता देता है और वो क्या करता है, अपोज करता है। अब बात कर रहे हैं कि जी का अगर मात्रक निकालना है, ऐसा ही मात्रक निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 1/r। आर का क्या होता है, ओम इनवर्स होता है, या ओम इनवर्स को ऐसे भी लिख सकते हो, इसी ओम के सिंबल को क्या अगर उलट दे तो क्या हो जाएगा, ये बोलते हैं, इसकी को ओम इनवर्स ऐसे बोलते हैं, या सीमेंस भी बोलते हैं, या इसी ओम को क्या करें, देखिए ओ एच एम है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एच ओ मोह हो जाएगा। तो चालकता का ये मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा ये चारों मात्रक सही है, और याद कीजिएगा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिए। अब बात करते हैं विशिष्ट चालकता, जैसे वहाँ पे क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध था, क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध था या प्रतिरोधकता था, वहीं ये क्या है, विशिष्ट चालकता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए और वहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से लिख रहे थे, विशिष्ट प्रतिरोधकता सिग्मा से लिख रहे हैं, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1/ρ हो जाएगा। अब इसका अगर ऐसा यूनिट जानते हैं तो इसका भी जानते हैं ना, इसका क्या था, 1/ इसका क्या था, ओम मीटर था, तो अब क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो इसका सिग्मा का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम का इनवर्स का उल्टा क्या हो जाएगा, उसी को सिंबल को उल्टा करते हैं, मीटर इनवर्स, या इसी ओम को कैसे उल्टा कैसे लिखते हैं, मोह लिखते हैं, मीटर इनवर्स।
तो इस तरह हम देख सकते हैं कि सिग्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। ये तीनों हमने याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन में क्या कर सकता है, तीनों का तीनों दे देगा और कहेगा ऑल ऑफ दीज ऑप्शन, तो वो भी करेक्ट हो सकता है। इसलिए हमें इसका और इसका हमें क्या करना है, सारा का सारा यूनिट ध्यान रखना है। अगर किसी चालक तार की लंबाई एक्स गुना कर दिया जाए, देखिए तो देखिए अब यहाँ पर हमारा जो लेंथ है डायरेक्टली डिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। अगर लंबाई को दोगुना करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हमारा दोगुना हो जाएगा ना, तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी इसको दोगुना करेंगे तो ये भी दोगुना हो जाएगा, इसको अगर चार गुना करेंगे तो ये भी चार गुना हो जाएगा, इसको पाँच गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पाँच गुना हो जाएगा। इस तरह हम बोल सकते हैं कि जो मेरा रेजिस्टेंस क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लेंथ है। तो ये बोला अगर किसी चालक की तार की लंबाई को एक्स गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एक्स गुना हो जाएगा। अगर खींच कर एक्स गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध एक्स स्क्वायर गुना हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, हमारे पास देखिए हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक मेरा क्या है रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू क्या है रेजिस्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है ये है, इसका लेंथ कितना एल है और किस मेटल का बना है उसकी रेजिस्टिविटी रो है। बोलाएगा उसी मेटल से एक रजिस्टर बनाया जाता है जिसका लेंथ क्या है 3L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है तो E है, ठीक है, और इसका रेजिस्टिविटी उसी मटेरियल से बनाया गया तो रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा। देखिए रेजिस्टेंस निकालते हैं R डैश, R डैश क्या हो जाएगा रो, इसी का सेम है इसका भी सेम है रो, L L क्या हो जाएगा 3L हो जाएगा बट्टा E, तो क्या हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा रो L बाई ए, यहाँ पर R निकालेगा तो क्या हो जाएगा रो L बाई ए। देखिए यहाँ पर जो R है क्या है E है, तो 3R, यानी अब जो R डैश आया है नया वाला R डैश जो आया वो क्या हो जाएगा तीन गुना हो जाएगा। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि अगर लेंथ तीन गुना करें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा तीन गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए लेंथ अगर चार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा चार गुना हो जाएगा। यानी ये पाँच गुना होगा तो अभी पाँच गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा, छः गुना होगा तो छः गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा R डैश। ये बातें ध्यान रखें, ठीक है जी। अगर बात करते हैं कभी कभी क्या होता है मटेरियल ही चेंज कर दिया जाता है, कभी कभी क्या होता है कि मटेरियल ही चेंज कर दिया जाए, जैसे रो डैश को क्या करेगा टू टाइम्स ऑफ रो कर देगा, तो हमारा फार्मूला है रेजिस्टेंस इक्वल क्या होता है रो डैश एल डैश ए डैश, चेंज हुआ है तो रो डैश क्या हुआ है टू रो हो गया है, एल डैश सेम लेंथ रहा है। अगर देखिए अब लेंथ के बारे में तो बोला नहीं है कि लेंथ चेंज हुआ है या नहीं, एरिया चेंज हुआ है या नहीं, तो वहीं रह जाएगा। अब जो चीज़ चेंज किया है बस उसको बोल देगा, जो चीज़ नहीं चेंज होगा उसको नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये मेरा पुराना वाला रेजिस्टेंस है तो 2R, यानी क्या हो जाएगा R डैश क्या हो जाएगा 2R के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि रो भी चेंज कर सकता है, एल भी चेंज कर सकता है। अब आते हैं एरिया भी चेंज कर सकता है, एरिया कैसे चेंज कर सकता है, बोलेगा कि एरिया जो था अब A डैश क्या किया है 4 times एरिया कर दिया है, तो अब रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा रो डैश एल डैश ए डैश, तो अब ये नया वाला है इसलिए हम डैश लगा रहे हैं रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे जो भी है डैश इसलिए तो रो डैश क्या हो जाएगा रो तो वहीं है उसी मटेरियल से बना है तो रो वहीं रह जाएगा, एल क्या है वहीं लेंथ है क्योंकि बोला नहीं है चेंज करना, एरिया क्या कर रहा है चेंज कर रहा है 4A, तो अब देखिए क्या हो जाएगा रो एल बाई ए ये क्या जाएगा 1/4, तो ये क्या है पुराना वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू तो है तो 1/4R, तो क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4 times हो जाएगा जो इनिशियल वैल्यू है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वेरी कर रहा है, किस किस पे वेरी कर रहा है, तो लेंथ पे भी वेरी कर रहा है, एरिया पे वैल्यू कर रहा है, रो पे भी वेरी कर रहा है, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे वेरी कर रहा है या प्रतिरोधकता पे वेरी कर रहा है। तो यहाँ से आप देखिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं। यही बोला है अगर तार की लंबाई को एक्स गुना कर दिया जाए और फिर से प्रतिरोध एक्स गुना हो जाएगा, ठीक है, अगर खींच कर और भी खींच कर एक्स गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा एक्स गुना हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे है तार की लंबाई एल डैश क्या हो जाएगा तीन गुना हो गया, क्या हुआ तीन गुना हो गया, और फिर एक्स गुना कर दिया है, अब मान लीजिए फिर से लंबाई खींच कर क्या कर देगा इसका भी एक्स गुना कर देगा तो क्या हो जाएगा एक्स गुना एक्सएल डबल डैश लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर से गुना हो जाएगा। वही बात बोल रहा है यहाँ पे, इतना समझाने के लिए आपको देखिए मुझे इतना सारा बताना पड़ा, जबकि इस बुक में डायरेक्ट नोट लिख दिया है
इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो प्रतिरोधों का समूह होता है। प्रतिरोधों को दो तरीके से समूह किया जाता है, एक श्रेणी क्रम में, एक क्या किया जाता है समानांतर क्रम, सीरीज और पैरेलल, दो कनेक्शन होते हैं। देखिए सीरीज और पैरेलल, श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा प्रतिरोध से पहले सीरीज से तथा दूसरा, देखिए पहला प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध मेरा ये है। देखिए पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्टेड है, तो इसको क्या बोलेंगे, सीरीज में बोलेंगे। देखिए ये बोल रहा है कि दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले, अब इससे भी आगे जुड़ा रहता तो ऐसा ही होता। तो देखिए इसे समझने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बेवकूफ़ी वाला लॉजिक लिखा हुआ है। देखिए श्रेणी क्रम पहचानने के लिए जब करंट अगर देंगे, देखिए यहाँ पे करंट आई है तो इसमें भी रेजिस्टेंस सेम जा रहा है, इसी रेजिस्टेंस में वही करंट जाएगा, इसमें भी वही जाएगा, तो करंट क्या है, सेम है। जब करंट सेम है तो सीरीज है, तो सेम करंट लिखिए, सेम करंट का मतलब क्या होता है, सीरीज में होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि सेम वोल्टेज अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। देखिए हमने क्या पढ़ा, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम करंट का मतलब क्या होता है, सीरीज में होता है। ये सब बातें जो भी लिखा है ये सब थ्योरेटिकल है, सब समझने की जरूरत नहीं है हमको। इसमें धारा का समान होता है, देखिए इसमें धारा क्या होता है, समान होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। और वोल्टेज क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। देखिए अब यहाँ पे वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर रजिस्टर का वैल्यू, देखिए करंट तो सेम है तो वी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आई आर। देखिए तो अगर आई सेम है, आई सेम है, ये आर का वैल्यू मान ली 5 ओम है, ये वैल्यू 10 ओम है, तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 5i हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10i हो जाएगा, तो सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो देखिए यहाँ से यही समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम तो आ रहा है कि हमारा ये सीरीज हो गया। अब आते हैं पैरेलल की तरफ। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, देखिए ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, सेम है, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, सेम है, तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम है, तो वोल्टेज सेम रहने का मतलब क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। पैरेलल का मतलब क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, इसके क्रॉस वोल्टेज वही है, इसके क्रॉस भी वोल्टेज सेम है, इसके वोल्टेज सेम है, तो ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखिए क्या लिखा है, इस समूह में सभी प्रतिरोध का पहला सिरा, सभी प्रतिरोध का, देखिए सभी, इसका प्रतिरोध का पहला सिरा, इसका भी पहला सिरा एक साथ, और दूसरा सिरा और सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक साथ जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन क्या दिया रहेगा आपको, तो क्वेश्चन ये दिया रहेगा कि मान लीजिए दो रजिस्टर हैं, कैसे, तो पैरेलल में जुड़ा है, एक क्या है 10 ओम का है, एक क्या है 5 ओम का है, क्या है 5 ओम का है, तो इसके ए बी के अक्रॉस बताइए, आर ए बी बताना है, आर ए बी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए तो हम फार्मूला जानते हैं कि पैरेलल है, ये देखिए इसका ये क्या है, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज सेम है तो पैरेलल में है तो पैरेलल वाला फार्मूला लगा दिए, 1/R1 + 1/R2 क्या हो जाएगा, 1/5 + 1/10, तो 10 LCM, 5 × 2 = 1, तो क्या हो जाएगा, 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 3/10, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 10/3 आंसर। देखिए बहुत सिंपल है, समझने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए यही कॉम्बिनेशन, मान लीजिए यही कॉम्बिनेशन क्या करता है, यही कॉम्बिनेशन आपको क्या दे देगा, अगर सीरीज में दे देगा तो देखिए सीरीज में कैसे देगा, ये मान लीजिए ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, तो देखिए ये करंट सेम जा रहा है ना, इसके क्रॉस बोलेगा कि आर ए बी निकाले, आर ए बी के क्रॉस आर निकाले, देखिए ये 5 ओम का है, 15 ओम का है, 10 ओम का है, तो क्या करना है, देखिए करंट सेम है, यही करंट इसमें भी पास हुई, यहीं पास होगा ना, तो इसलिए क्या है, सेम करंट का मतलब सीरीज में है, बस बात खत्म। सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर आर सीरीज का होता है R1 + R2 + R3। देखिए तो 5 + 15 + 10 तो क्या हो जाएगा, 30 ओम। देखिए ओम का सिंबल बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ओम लिखना, तो क्या हो जाएगा, आर सीरीज या आर ए बी क्या हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। कितना आसान है, तो सबसे पहले हम लोग सीरीज और पैरेलल पहचानने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मेरा बेसिक था, इसी पे कल न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।
अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन और तैयारी। जम कर करें, जी जान लगा कर तैयारी करें, और ऐसे ही सब्सक्राइब करो, आप मिल कर पढ़ें दोस्तों। आप अगल बगल जो भी दोस्त हैं उन सबसे मिल कर पढ़ें, मेरा वीडियो लेक्चर को अच्छे तरह समझने की, वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। जहाँ भी डाउट हो फिर से कमेंट दें, मैं उस टॉपिक को फिर से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ऐसा भी हो सकता है कुछ कंसेप्ट अगर मिस कर रहा हूँ तो फिर से उसको बताऊँगा। तो जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करें, और यूट्यूब पे ध्यान दीजिए कि जो आपको स्टेज सेकंड का लेक्चर पार्ट बी है उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आपको बहुत सारे डीप में पढ़ाए जा रहे हैं, उतना पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। आप सोचिए ना, 10+2 वालों को अलाउ किया गया, तो क्या हो सकता है तो उतने डीप में पूछे जाए क्वेश्चन जो पढ़ाए जा रहे हैं। और वेबसाइट वगैरह पर मैं देख के तो बहुत, मुझे तो बहुत आश्चर्य लगा, उतना तो हार्ड हो ही नहीं सकता है। तो प्लीज़ एक बार वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।